अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था स्टोइकोमेट्री, जिसमें हम लोगों ने थियोरेटिकली देखा कि थियोरी स्टोइकोमेट्री है कि एक्चुअली। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यूज में या फिर न्यूमेरिकल्स में स्टोइकोमेट्री के टॉपिक में से, और उनको हम लोग कैसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों को पता है कि जो स्टोइकोमेट्री लफ्ज है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है स्टेशियो, दूसरा मेट्री। स्टेशियो का मतलब होता है जी रेशो, मेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन। तो स्टेशियोमेट्री ये हुआ कि ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग रेशो बेस रिलेशंस को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, जैसे आप लोग छोटे क्लासेस में क्वेश्चंस पढ़ के आए हो, किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ के आए हो कि अगर दो किताबों की कीमत 20 रुपए है तो तीन किताबों की कीमत कितनी होगी। ऑब्वियसली हमें पता है कि सर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सर 30 रुपए होगी, पर जब आप इसे हल करोगे, लिख के दिखाओगे, लिख के हल करोगे, तो आपको प्रॉपर एक मेथड फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जो कि है रेशो का मेथड। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं कि सर बुक्स हैं उनकी रेशो है पैसों के साथ, तो दो किताबें जो है वो कितने की आई, सर 20 रुपए की, और तीन किताबों की कीमत क्या है, सर ये हम लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। बेटा इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करते थे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनको सिंपलीफाई कर लेते थे। किस तरह से सिंपलीफाई करोगे, 3 × 20/2, तो आपके पास जो नेट आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 30। ठीक है, तो ये सिंपल मैथ में हम लोग इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हल कर लेते थे। पर केमिस्ट्री के केस में क्या है, केमिस्ट्री के केस में हम लोग डायरेक्ट रेशो का फार्मूला नहीं अप्लाई करते, इसमें हमें पहले दो एक्स्ट्रा स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं क्वेश्चन की, फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा उसका मोलर मैसेज लिख देते हैं, रिस्पेक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें उनके हम लोग क्या करते हैं मोलर मैसेज वहां पे लिख देते हैं, और तीसरा फिर क्या करते हैं रेशो फार्मूला को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख रखा है, ये FSC पार्ट 1 चैप्टर 1 में एक्सरसाइज में एमसीक्यू है, पेपर में बड़ी दफा आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, वो कहता है जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या करने हैं, मालूम करने हैं, विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने बताया सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा बेटा, हम लोग यहां पे लिखेंगे केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन सिलेक्शन के लिए क्या हो जाएगी पुत्र हमारे पास, वो हो जाएगी C+O2, और ये मिलकर क्या बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या है सर, स्टेप 1। स्टेप 2 में बेटा हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2 में बेटा हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर मैसेज या मोलर मैसेज लिख लेते हैं। तो कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना होता है 32 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है ऑब्वियस है सर 44 ग्राम्स। बेटा यहां तक तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं सर, रेशो फार्मूला अप्लाई करते हैं। रेशो फार्मूला दो चीजों के दरमियान में अप्लाई करते हैं। अब देखो किस किस चीज का पूछा गया, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा गया। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखो ऑक्सीजन है रेशो कार्बन डाइऑक्साइड, पहले ऑक्सीजन कितनी थी 32, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी 44 पे, अब ऑक्सीजन कितनी है 8 और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने क्या करनी है, मालूम करनी है। इनको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो हमारे पास इसको सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली बेटा हमारे पास आएगा 11। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पूरा सॉल्व कर देता। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ। बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, मैस आ गया ग्राम्स में, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, गिवन मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। इसको अगर मैं यहां पे करके लिख दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, N = गिवन मैस कितना आ गया यहाँ पे 11, मॉलिक्यूलर मैस कितना है 44। सिंपलीफाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आएगा, 0.25 मोल्स। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसमें वो क्या कहता है, कहता है जी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, क्या लिखा हुआ है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल कंप्लीटली रिएक्ट विद हाउ मच ऑक्सीजन टू फॉर्म Al2O3। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है सर, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, नंबर 2 पे क्या करते हैं सर मोलर मैस लिखते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे क्या करते हैं सर, दो एलिमेंट्स को देखते हैं या दो एटम्स को देखते हैं जिनका आपस में कंपैरिजन किया जा रहा होता है, जिनको मालूम करना होता है कि वैल्यू को यूज करके दूसरे की वैल्यू।
तो यहां पे बेटा उसने पूछा है, एक तो एल्यूमिनियम है वो कितना है 27, ठीक हो गया, ये हमने बाद में दिया गया है, तो कितनी ऑक्सीजन से करेगा, ठीक है, इसका रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 27 इंटू 96 ओवर 108, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24 ग्राम, यानी 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल कंप्लीटली रिएक्ट विद 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा ये सिंपल से ट्रिक्स थे जिसको इस्तेमाल करके आप स्टोइकोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हैं और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको आप लोग बआसानी हल कर सकते हो, और कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप बजाय इसके कि वो छोटी छोटी ट्रिक्स की तरफ जाओ कि वो छोटा सा फार्मूला 3 करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना, आप लोगों ने प्रॉपर वे में सॉल्व करो और आपका जो आंसर आएगा वो 100% ऑथेंटिक होगा और आपको श्योर होगा कि जो मैं करके आया हूँ 100% ऑथेंटिक। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है बट पर ये बहुत ज्यादा मुफीद है, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो इसको लिखकर हल करने की, एक दो दफा प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह तो ये टिप जो आप